सुधीर जी, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुधीर जी। धर्म और धम्म में क्या फ़र्क है, इसकी जानकारी हमको दें। देखिए, बेसिकली अगर हम देखा जाए, धम्म में और धर्म में शाब्दिक अर्थ के हिसाब से धम्म पाली का, पाली प्राकृतिक का, बुद्ध के समय का शब्द है। और जब संस्कृत बाद में बनी, संस्कृत भाषा हुई पाली और प्राकृतिक, तो धम्म को धर्म बोला गया, धर्म बोला गया। और बेसिकली शाब्दिक अर्थ तो यह है, मगर इसके जो व्यवहारिक अर्थ हैं वो दोनों अलग अलग हैं। धम्म जो होता है, बेसिकली भगवान ने बताया है, जो चीज़ नेचुरल है, नैसर्गिक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ रखती है, अपनी प्रॉपर्टीज़ में काम करती है, उसको उन्होंने धम्म बोला है। और धर्म जो होता है वो मैनमेड होता है, चेंज होता है, क्रिएटेड होता है और बनाया जाता है, ऐसा व्यवहार के अंतर देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई पदार्थ है, उसका कोई धम्म है, तो पदार्थ जैसे अपने काम करेगा, वो दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं भी जाए, उसका जो काम करने का तरीका होगा वैसे ही वो परिवर्तित होगा, वैसे ही वो काम करेगा, तो उसका धम्म नहीं बदलता, वो नेचुरल गुण है। मगर धर्म को मनुष्य ने जगह जगह, बहुत सारी जगह अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया और धर्म की परिभाषाएँ गढ़ दी और धर्म के नियम बना दिए, धर्म के कानून बना दिए, सभ्यताएँ और समाज, और समाज के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, हर एक धर्म, धर्म बहुत तरह के और धर्मों के नियम बहुत तरह के हो गए। तो ये बेसिकली अंतर आता है। इसलिए पाली के लोग, प्राकृतिक के लोग, या धम्म को जानने वाले, या जो बुद्धिस्ट लोग हैं, वो धम्म का इस्तेमाल करते हैं, और भगवान खुद भी जो धम्म के लोगों को होते थे उनको धम्मी बुलाया करते थे। तो ये बेसिक इसमें अंतर है। आप थे सुधीर राजी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया धर्म और धर्म का अंतर। अगर आप भी हमारे से कुछ पूछना चाहते हैं, सुधीर राजी से कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे मैसेज बॉक्स पे लिख के कुछ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं आप हमें, या हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे आप हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। सुधीर राजी, एसएम न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।